दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे ऊपर वाले की कृपा से। आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंदौर के टॉप गैंगस्टर सलमान लाला की, क्योंकि सलमान लाला को लेकर फिर से एक बार सोशल मीडिया में खबरें घूम रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सलमान लाला को इंदौर से किसी और जेल में भेजा जाएगा। गैंगस्टर सलमान लाला जो कि अभी इंदौर में अपने गुनाहों की सजा काट रहा है, वही सलमान लाला जब गिरफ्तार हुआ था तब उसे देखा गया था, वो कह रहा था गुंडागर्दी पाप है, पुलिस हमारी बाप है। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि वो सुधर चुका है दोस्तों, लेकिन क्या सलमान लाला अब सही में सुधर गया है या फिर क्या वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था, यानी कि पुलिस के डर से वो सब कुछ उगल रहा था। क्योंकि जब सलमान लाला की गिरफ्तारी के बाद मीडिया उसकी फोटो ले रही थी तब वो अपनी मूंछों पे ताव दे रहा था। खैर ये गुंडे तो कभी नहीं सुधरते, लेकिन सलमान लाला को लेकर आज की जो खबर है उस पे चर्चा कर लेते हैं। सलमान लाला को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उसे इंदौर से किसी और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि ये आधिकारिक रूप से अभी बयान तो नहीं है, लेकिन ऐसी बातें अब सामने निकल कर आ रही है। तो क्या सलमान लाला इतना बड़ा गैंगस्टर है कि उसके सामने इंदौर जैसा जेल भी कुछ नहीं है? दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी देखी जा रही है कि सलमान लाला इससे पहले भी कई बार इंदौर जेल में सजा काट चुका है, और इंदौर जेल में देखा जाए तो उसने पहले भी कई बार दाते कर चुका है। एक बार तो सलमान लाला ने अपने विरोधी गैंग के एक लड़के को ब्लेड तक मार दिया था जेल में, फिर उसके बाद उसे घायल अवस्था में अस्पताल एडमिट किया गया था। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल ये था कि सलमान लाला के पास जेल के अंदर ब्लेड कैसे आया? दोस्तों आप सोचिए, जब सलमान लाला जेल के अंदर ब्लेड मंगा सकता है तो इंदौर के जेल उसके सामने कितने है। देश के ऐसे कई अलग अलग जेलों में सलमान लाला जैसे कई और गुंडे हैं जो कि जेल के अंदर रह के अपनी वारदातों को बाहर अंजाम देते हैं, और खबरों की माने तो अब लाला को देश की किसी और जेल में भेजा जा सकता है, जहां पर अपराध करना तो बहुत दूर की बात है, वहां पर तो सलमान लाला अपराध करने के खौफ से भी डरेगा। वैसे हम भी ये कहेंगे कि सलमान लाला को या तो दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए या तो पुणे के यलवाड़ा जेल में, क्योंकि उसके अपराधों का लेखा इतना खतरनाक है कि वो इससे नीचे की जेल में रहा तो अपने आतंक का साम्राज्य फिर से फैला देगा। वैसे इस सब में आपका क्या कहना है कि सलमान लाला को देश के कौन से जेल में रखना चाहिए जहां पर वो अपराध करने के नाम से तक खौफ खाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।